So today's chapter is post-traumatic stress disorder. इसको शॉर्ट में जो है PTSD भी बोलते हैं. सो इसमें जो सारा कुछ डायग्नोसिस वगैरह सिम्टम्स वगैरह एवरीथिंग इज एज पर DSM-4 TR, यू वेरी वेल नो. तो इसके हिसाब से चलेंगे हम फॉर द पर्पज ऑफ सिलेबस. तो अब जैसा कि पहले इसको वर्ड को जो है समझना होगा. पोस्ट का मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड्स. ट्रोमैटिक मतलब कोई चीज़ जो है ट्रोमैटिक हुई हो. अब वो ट्रोमैटिक जो है फिजिकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है, साइकोलॉजिकली भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, डिपेंड करता है. और ट्रोमैटिक इवेंट के बाद में जो स्ट्रेस होगा, ट्रोमैटिक इवेंट के ड्यूरेशन में तो स्ट्रेस होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है. लेकिन आफ्टर द इवेंट इज ओवर, उसके बाद में जो स्ट्रेस होगा विच इज हैविंग सम सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट, वो फिर कहलाएगा पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो ये ध्यान रखना कि देयर हैज़ टू बी ए ट्रोमैटिक इवेंट. ट्रोमैटिक इवेंट होना जरूरी है. अगर ट्रोमैटिक इवेंट नहीं है तो PTSD हो ही नहीं सकता है. हाँ, ये जरूरी है, ये बात जरूर है कि ये जरूरी नहीं है कि ट्रोमैटिक इवेंट जो है इंडिविजुअल को याद हो. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इंडिविजुअल को अपना ट्रोमैटिक इवेंट याद ना हो, खासतौर से अगर वो बहुत बचपन में जो है हुआ हो, बहुत अर्ली चाइल्डहुड में हुआ हो. और ये भी पॉसिबल है कि जो ट्रोमैटिक इवेंट की जो मेमोरी है वो डिस्टॉर्ट हो गई हो, ये भी पॉसिबल है. सो ऑल द थ्री थिंग्स आर पॉसिबल, कि उसको बहुत विविडली याद है अपना ट्रोमैटिक इवेंट, या आधा याद है आधा याद नहीं है, या बिल्कुल याद नहीं. एनीथिंग इज पॉसिबल, बट द की थिंग इज देयर हैज टू बी ए ट्रोमैटिक इवेंट. ठीक है. सो ये इन नटशेल जनरल ओवरव्यू था. अब वही एग्जांपल्स जो मैं बता रहा था, कई तरह के हैं जो बुक में दिए हुए हैं. जैसे 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टेररिस्ट अटैक जो हुआ था. सो वहाँ पे जिन भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया था या देखा था, वो उनके लिए वो ट्रॉमेटिक इवेंट था. जैसे मैं तो उस पर्टिकुलर इवेंट में शामिल नहीं था. दैट टाइम आई वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम कोसोवो टू इंडिया. तो मैं एन रूट था और मेरी फ़्लाइट जो है वियना में थी, और मुझे दूसरी फ़्लाइट चेंज करनी थी. तो वहाँ पर मैंने TV पर देखा था. सो बट दिस इवेंट वॉज अनप्रेसिडेंटेड. तो आज भी मुझे जो है वो सीन याद आता है कि वहाँ पे आसपास कैसे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, कैसे सब पीपल वर इन डिसबिलीफ, और एकदम से अफरा तफरी और पैनिक का माहौल हो गया था. क्योंकि एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हुआ था, तो एकदम से सिक्योरिटी हर जगह बढ़नी शुरू हो गई थी. सो इस तरह से जो है टेररिस्ट अटैक कुड बी वन रीज़न. दूसरा जो है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होगा. नोबडी एक्सपेक्टेड की जो है 9/11 वाला इवेंट होगा, या जैसे 26/11 वाला इंडिया में हुआ था, मुंबई में जो ताज होटल वाला जो हुआ था, रेलवे स्टेशन पे भी हुआ था. सो वो भी जो है अनएक्सपेक्टेड हुआ था. और दीज इवेंट्स कुड बी मैन मेड और नेचुरल. ये टेररिस्ट अटैक वाले तो मैन मेड थे, और नेचुरल में कैसे ये सुनामी आ गई, या लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, या बाढ़ आ गई, है ना. इंडिया में एक जो है भोपाल गैस लीक हुआ था. सो वो दैट इज पार्शियली एक्सीडेंटल और पार्शियली ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस. तो वो भी हो सकता है. और ये मैं यहाँ पे किस लिए बता रहा हूँ कि आगे हम पढ़ेंगे वो आएगा, पर मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जो इंडिविजुअल जो ट्रॉमेटिक इवेंट फेस कर रहा है उसके रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो इवेंट है वो नेचुरल है, या उसके लिए कोई सिंगल इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्सिबल है, या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. जो नेचुरल है तो उसके लिए इंडिविजुअल थोड़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाती है कि भाई क्या करें, बिजली गिरी तो उसमें क्या कोई कर सकता है, नथिंग कैन बी डन. तो एक्सेप्टेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा. ये नहीं कि ट्रॉमेटिक नहीं होगा, ट्रॉमेटिक, पर रिएक्शन उतना सीवियर नहीं होगा. लेकिन अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्सिबल है, लेट अस से किसी ने
एक्सीडेंट करके किसी को मार दिया, तो अब वो ये तो जो ड्राइवर था वो तो सिंगल आदमी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है रेज वगैरह बड़ी इजीली एक्सप्रेस हो जाएगा, या जैसे कोई किसी ने रेप किया है या चाइल्ड अब्यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो है जो परपेट्रेटर है वो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो भी है, स्ट्रेस, वो इजी हो जाता है। तो विच पार्टली रिलीव्स द ट्रॉमा, पार्टली बोला मैंने, कम्प्लीटली नहीं बोला है, तो उसको थोड़ा बेटर फील होता है कि कुछ ना कुछ तो उसने कर ही सकता है उसके अगेंस्ट में, चाहे कोर्ट में जाके करे, पुलिस में करे या वॉट एवर। और अगर वो कोई ऐसा इवेंट है जिसमें वो लोकलाइज नहीं कर सकता है कि भाई किसकी जो है वजह से ऐसा हुआ है, जैसे लेटर से कि कोई गवर्नमेंट का डिसीजन है, अब गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से कोई हादसा हुआ है, तो अब ये गवर्नमेंट तो कोई सिंगल एंटिटी तो है नहीं, ना ये नेचुरल डिजास्टर है तो ये ह्यूमन एरर, लेकिन यहाँ पे किसी सिंगल इंडिविजुअल को तुम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसने किया है। तो यहाँ पे जो है फ्रस्ट्रेशन वगैरह काफी पेंट अप होके बॉटल्ड अप रहता है कि वो निकाले किसके अगेंस्ट में। सो ये भी एक फैक्टर होता है PTSD में। और जो PTSD है ये भी हो सकता है कि आगे खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो, खाली विटनेस किया हो। जैसे कि मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, समबडी वॉज किलिंग समबडी, और वहाँ पे कोई इंसान जो है उसको किलिंग को देख रहा था, तो वो किलिंग जो है देखना भी ट्रॉमेटिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंडिविजुअल के अगेंस्ट में डायरेक्टली जो है वो ऑफेंसिव चीज़ हो रही हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। विटनेसिंग सम ट्रॉमेटिक इवेंट इट्सेल्फ कैन बी ट्रॉमेटिक, और इस ट्रॉमेटिक इवेंट में जो है इंडिविजुअल जो है हेल्पलेस फील कर रहा होता है, प्रीडोमिनेंटली एक्सेसिव फियर होगा, हेल्पलेसनेस होगी, एंड द पर्सन वुड बी टेरिफाइड, ये की सिम्टम्स है। अब अगर कोई आदमी जो है फियरलेसली होके किसी जगह लड़ाई कर रहा है तो वो ट्रोमेटिक उसके लिए नहीं हुआ ना, वो तो फियरलेस है, रिस्पॉन्स कर रहा है, हेल्पलेस फील नहीं कर रहा है। हाँ, वो उस लड़ाई में उसके कोई डीप जो है इंजरी हो जाए, जैसे आँख चली गई, पैर चला गया, तो वो ट्रोमेटिक इवेंट हो गया, वो बात अलग है। बट वाइल द इवेंट वॉज हैपनिंग द पर्सन वॉज नॉट हैविंग फियर, नॉट फीलिंग हेल्पलेस एंड वॉज नॉट टेररइज, तो ये भी चीज़ें हमको देखनी होंगी। फिर अब इसके जो है कई तरह से मैनिफेस्टेशंस होते हैं PTSD के, तो वो क्या होगा कि जो पास्ट की जो इंसिडेंट है उसकी इंट्रूसिव मेमोरी होगी। इंट्रूसिव का मतलब द मेमोरी द पर्सन वांट्स टू गेट रिड ऑफ द मेमोरी बट द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ द मेमोरी, वो नहीं चाहता है कि वो याद आए लेकिन उसको याद आ रही होंगी, और वो एक बार नहीं बार बार आ रही होंगी, और वो सारा इवेंट जो है उसको याद आ रहा होगा। फिर ड्रीम्स के रूप में भी हो सकता है, जो ड्रीम्स उसकी आ रही होंगी वो उसको उसके लिए काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होंगी, है ना। और कोई एक्सटर्नल जो क्यूज या हैं ऐसे होंगे जो उस इवेंट से अगर मिलते जुलते हैं, तो फिर वो ट्रॉमेटिक इवेंट जो उसकी मेमोरीज हैं वो ट्रिगर हो जाएंगी और सोमैटिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि अगर किसी ने एक्सीडेंट में वो कोई सर्वाइव कर गया है, बस का या कार का एक्सीडेंट हुआ, बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इट कुड हैव बीन फेटल, और वहाँ पे आग लगी है, टायर जल रहा है, तो वहाँ से वो निकला, बच गया, सब कुछ है, लेकिन वो जो टायर जलने की स्मेल है वो तो उसके नाक में आएगी आएगी, और बाद में कहीं वो फायर देखेगा या टायर जलने की स्मेल आएगी तो वो ट्रिगर हो जाएगी मेमोरी कि जो पोस्ट जो ट्रॉमेटिक इवेंट था उस टाइम भी ऐसा हुआ था, फिर वो सारा वो ट्रॉमा जो है उसको रिकलेक्ट होगा और वो पैनिक अटैक हो सकता है उसको। फिर दूसरा क्या होता है कि सेकंड जो फैक्टर ये है कि उसको इंडिविजुअल को जो है डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाएगी, और उसके जो है जो रेंज ऑफ इमोशंस हैं वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ना खुशी होगी किसी बात की, ना कोई दुख हो रहा होगा, इस टाइप की जो हो रही होगी, ये सेकेंड आस्पेक्ट है। तो और तीसरा जो है
क्या हो रहा होगा कि उसके मन में जो है फ्यूचर के प्रति जो है ये हो रहा होगा कि नाउ देर इज नथिंग लेफ्ट इन लाइफ, देर इज नो पॉइंट इन लिविंग एनी मोर, या लाइफ इज पॉइंटलेस, इस तरह का निहिलिस्टिक एटीट्यूड आ रहा होगा कि बस दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। सो ये तीन में से जो है एटलीस्ट जो है इंडियन को कुछ ना कुछ जो है तीनों थोड़ा थोड़ा होगा, है ना, कि एक तो वो इंट्रूसिव थॉट्स, दूसरा मैंने बताया रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशंस, और तीसरा जो है नियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स फ्यूचर कि अब बचा नहीं है कुछ भी लाइफ में। फोर इसे जो है ए सेंस ऑफ फोर शॉर्ट एंड फ्यूचर भी कह सकते हैं, ए सेंस ऑफ फोर शॉर्ट एंड फ्यूचर कि अब बस खत्म हो गया फ्यूचर मेरा। तो ये तीन चीजें जो है की होती हैं। अब इसके अलावा जो है कहीं कहीं किसी किसी चीजों में एक्सेसिव अराउजल भी होगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि इंडिविजुअल जो है रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशंस होगा, ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, वो पॉजिटिव वाले इमोशंस के सेंस में मैं ज़्यादा बात कर रहा था कि जैसे एबिलिटी टू लव समबडी, एबिलिटी टू एम्पथाइज, शो अफेक्शन, वो सब काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन जो निगेटिव वाले इमोशंस है वो काफ़ी उसमें एक्सेसिव अराउजल हो सकता है, जैसे कि इरिटेबिलिटी, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स। एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि आदमी बैठा हुआ है और पीछे मान लो कोई चीज़ गिर गई तो एकदम से इतनी बुरी तरह से जो है चौंकेगा जैसे कि जाने कितना बड़ा इवेंट हो गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना, कई बार कोई इंडिविजुअल जो है बहुत हाई लेवल का जो है कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहा हो और उसको एकदम से जो उसको डिस्टर्ब किया है तो भी स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि ये कंसंट्रेशन कर रहा था तब स्टार्टल हुआ है या जनरल टेंडेंसी इसकी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो स्टार्टल हो जाता है। वी हैव टू सी दैट इफ द पर्सन इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग वेरी डीपली देन ऑल्सो द पर्सन गिव्स ए स्टार्टल रिस्पॉन्स। सो वो देखना पड़ेगा। फिर हमको जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा डायग्नोसिस में पीटीएसडी के लिए कि वेदर इट इज एक्यूट और क्रॉनिक। तो अगर जो सिम्टम्स हैं पीटीएसडी के दे आर कमिंग फॉर लेस देन 3 मंथ्स तो हम उसको एक्यूट कहेंगे, वो पेशेंट से पता लग जाएगा बात करके, और अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो क्रॉनिक कहेंगे। क्रॉनिक का मतलब होता है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक। सो हियर फॉर द पर्पज ऑफ पीटीएसडी मोर देन 3 मंथ्स इज कंसिडर्ड टू बी क्रॉनिक, ठीक है। फिर एक और चीज देखी जाती है पीटीएसडी के जो पेशेंट्स हैं, सब में ज़रूरी नहीं है कुछ में, कि उनमें सर्वाइवर्स गिल्ट होता है। सर्वाइवर्स गिल्ट क्या होता है वो समझो, जैसे कोई दो लोग हैं वो कहीं पे जा रहे हैं, लेट अस से ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो पानी लेने जाना है, तो एक ने दूसरे को बोला है तू पानी ले आ नदी से, हम मैं यहाँ बैठ के थक गया हूँ थोड़ा वेट कर रहा हूँ। वो नदी में पानी लेने गया, वो डूब गया, या किसी एलिगेटर ने उसको खा लिया, या किसी भी तरह गिर के मर गया। जो दूसरा वाला जो जिसने उसको भेजा था उसको सर्वाइवर गिल्ट हो जाएगा, उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, पर ये सर्वाइवर गिल्ट होगा कि मैंने उसको भेजा था और वो जो है वो मर गया, मैं गया होता तो मैं मरता, मेरी वजह से वो मर गया। या ये भी हो सकता है कि मैं वो क्यों मरा, मैं क्यों बच गया, मुझे भी मर जाता तो जो है अच्छा होता है, ऐसे कैसे भी वो सोच सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सर्वाइवर्स गिल्ट। ये जो वॉर में जो है अक्सर ये इस टाइप के जो ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं जहाँ डेथ वगैरह अकर होती हैं तो वहाँ पे जो है सोल्जर्स में काफ़ी देखा जाता है। आगे जो केस हिस्ट्री वगैरह दी है उसमें हम इसको फर्दर बात भी करेंगे। और अगर जो है इंडिविजुअल को जो सराउंडिंग है वो सपोर्टिव नहीं है, अनसपोर्टिव है, एक्सट्रीम डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स प्रीडोमिनेट कर सकते हैं। सो पीटीएसडी के लिए एक सबसे जो अच्छा ट्रीटमेंट कह लो या प्रिवेंटिव मेजर कह लो वो ये है कि उसको इंडिविजुअल को सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। जितना सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा उतना अच्छा है, और जितना खराब एनवायरनमेंट मिलेगा उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि इंडिविजुअल डिप्रेशन में चला जाए या सुसाइडल थॉट्स उसमें प्रीडोमिनेट करने लग जाए। और डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है।
कुछ लोगों का जो है सर्वाइवर जो ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में कुछ भी असर नहीं होता है, कुछ को जो है थोड़ा कम होता है, कुछ को बहुत ज़्यादा होता है। सो आगे जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो उसमें डिपेंड करता है किसको कौन सा फैक्टर कितना है एप्लीकेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई ये जैसे जेनेटिक है, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, पर्सनैलिटी है, ये सारे फैक्टर्स जो है किसमें कितने हैं कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। सो कोई फॉर्मूला नहीं कह सकते कि ये इवेंट होगा तो फिर ये होगा ही होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक माउंटेन क्लाइंबर है अरुणिमा सिन्हा, तो उसके साथ में क्या हुआ था, शी वॉज ट्रेव वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, तो शी वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, तो वहाँ पे उसके जो है सोने की चेन को कुछ गुंडों ने उससे छीनने की कोशिश की। सो शी वॉज नेशनल लेवल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो थी ही, तो शी फॉट विद देम, अच्छी तरह लड़ाई करी उसने उनके साथ में, तो उन्होंने जो क्या किया लुटेरों ने, उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया, चलती ट्रेन से फेंक दिया तो वो नीचे गिर के बेहोश हो गई, और दूसरी बगल वाली जो रेलवे लाइन थी उस पर वो गिरी, और ट्रेन बगल वाली ट्रैक पे आई और उसके दोनों पैर के ऊपर से गिरी, कट गई, एक पैर तो बिल्कुल कट गया और एक ऑलमोस्ट कट गया था। पूरी रात वो वहीं पे पड़ी रही, फिर लोगों ने देखा 48 ट्रेन इस दौरान पास हुई, रात को चूहे वगैरह भी उसके ऊपर जो है चल रहे थे, बड़े बड़े चूहे जो रेलवे स्टेशन में होते हैं उसके पैरों में उसको काट रहे थे, तो उसको लेके गए जो नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे भी था, वहाँ पे एनेस्थीसिया की भी जो है फैसिलिटी नहीं थी, तो उसको होश में रखते हुए ऑपरेशन किया गया था उसका, इतना ट्रॉमेटिक जो है उसका एक्सपीरियंस रहा। उसके बावजूद जो है उसने जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया उसके बावजूद, तो ये उसकी पर्सनैलिटी थी ना कि उसने इस ट्रॉमेटिक इवेंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। हाईली ट्रॉमेटिक इवेंट है, किसी के लिए भी हो सकता है, बट उसको ट्रॉमेटिक नहीं लगा, उसको जो है उसने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। सो ये ट्रॉमेटिक इवेंट होगा तो आदमी बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आदमी की बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हाउ द पर्सन कम्स आउट ऑफ इट। एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कई एग्जाम्पल हैं इस तरह के जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा एक नहीं कई हैं, मैं रिसेंट बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो है पासिंग आउट परेड हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स पास आउट हुए, लेडी ऑफिसर्स भी हैं उसमें, तो उसमें वन ऑफ द लेडी ऑफिसर्स ऐसी थी, उसके बच्चे भी हैं, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, दो बच्चे हैं, एंड शी वॉज नॉट हैविंग एनी जॉब, तो उसने जो है, और उसका हस्बैंड भी ये नहीं कि बहुत एजुकेटेड या ऑफिसर था, नॉर्मल एक सिपाही था, देन शी प्रिपेयर्ड फॉर द CDS, शी गॉट सेलेक्टेड, ट्रेनिंग कंप्लीट की और वो ऑफिसर बन गई, जो उसका हस्बैंड नहीं बन पा सका वो बन गई। सो ट्रॉमेटिक इवेंट तो है किसी के लिए भी हस्बैंड की डेथ होना, और वो भी बच्चे हों जब, और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कुछ भी, बट शी केम आउट ऑफ इट इन फ्लाइंग कलर्स। सो ट्रॉमेटिक इवेंट जो है हमेशा खराब चीज करेगा ये जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल उसका आउटलुक कैसा है वो मैटर करेगा, इसीलिए कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो इम्पोर्टेंट होता है इसमें। हम उसकी जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं इंडिविजुअल की, वो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हमको देखना पड़ेगा हाउ द पर्सन इज व्यूइंग दिस पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक इवेंट। सो वो अगर हम उसका जो है कोर बिलीफ सिस्टम चेंज कर पाए कि इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ डिस्पाइट वॉट एवर हैज हैपेंड, वो अगर चेंज हो गया तो फिर इंडिविजुअल लाइफ में कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, सो नाउ वी आर कमिंग टू क्लिनिकल पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड विद PTSD। क्लिनिकल पिक्चर मतलब कि अगर अगर हमें क्लिनिकली डायग्नोस करना होगा किसी को, बच्चे को, कि उसको PTSD है या नहीं, तो कौन से जो है सिम्टम्स हमको आमतौर पर देखने पड़े मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दीज आर वेरी कॉमन एंड जनरल सिम्टम्स जो अक्सर बच्चों में देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहला है ग्रेटर डिफिकल्टी इन वर्बली एक्सप्रेसिंग देयर पेन, वो साइकोलॉजिकली कैसा फील कर रहे हैं, मेंटली कैसा फील कर रहे हैं, वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे। एक तो बच्चों की वैसे भी जो है
काफ़ी लिमिटेड जो है वोकैबलरी होती है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस थिंग्स वर्बली इन एनी केस वेल, उसके ऊपर से जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं मेंटली, सो वो जो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से जो है वो फर्दर और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं दोनों चीज़ों को। सो एक ये चीज़ मिलेगी। दूसरा जो है नंबनेस, नंबनेस में जैसे कि ना जैसे ब्लंटेड इमोशंस, कोई एक्सप्रेशन ज़्यादा डीप नहीं, ना खुशी के ना उसके कोई भी बात। अभी आगे हम ये केस स्टडी पढ़ेंगे उसमें ये नंबनेस वाला और क्लैरिफाई हो जाएगा। सो जो एक एक्सपेक्टेड होता ना कि ऐसी बात बोलने से ऐसे इमोशंस जनरेट होंगे, उस टाइप के इमोशन जनरेट नहीं हो रहेंगे, उसे नंबनेस के नंबनेस। यहाँ पे हम इमोशनल नंबनेस की बात कर रहे हैं, फिजिकल नंबनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों के केस में ऐसा भी हो सकता है, छोटे बच्चों के केस में खासतौर से, कि कुछ डेवलपमेंटल स्किल्स जो उनको ऑलरेडी आ चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, फुली डेवलप हो चुके हैं, वो भी जो है चले जाएं, वो रिग्रेशन में हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल उसको बोलना अच्छे से आ गया है लेकिन अब वो नहीं बोल पा रहा है। अनदर एग्जांपल, बच्चा बहुत बढ़िया से अच्छे से पॉटी ट्रेंड हो गया है, शिशु पॉटी ट्रेंड हो गया है, वो जहाँ करना चाहिए वहीं करता है, बताता है, वहाँ जाता है, करता है, लेकिन फिर वो अगेन जो है उसका ब्लैडर कंट्रोल लूज हो गया, वो कहीं पे भी शिशु पॉटी करने लग गया है, 5-6 साल का है फिर भी। सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ PTSD इन चिल्ड्रन। ये क्लियर है तो आगे बढ़ूँ, ठीक। नाउ टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ PTSD, अगेन इसमें जो है कोई यूनानिमिटी नहीं है, कि कई बार ये देखा गया है कि इवेंट हुआ उसके इमीडिएटली बाद से PTSD स्टार्ट हो गया, कई बार हुआ है कि कुछ समय बाद स्टार्ट हुआ PTSD। तो अब ये जो है कहना मुश्किल है कि इमीडिएटली जो है PTSD स्टार्ट होगा या बाद में होगा, या ये ऐसा क्यों होता है कि किसी के इमीडिएटली होता है किसी के बाद में होता है, तो इसका कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जनरली दो जो है मेन थ्योरी चलती हैं कि भाई क्यों ऐसा होता है, डिफरेंसेस क्यों होते हैं। तो एक थ्योरी ये कहती है कि जब ट्रॉमा होता है तो इंडिविजुअल का जो है डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है टूवर्ड्स दैट ट्रॉमा, जो कि ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होगा तभी जो है इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा, या मैं साइकोलॉजिकल डिफेंस की बात कर रहा हूँ। सो वो डेवलप हो गया, बट ग्रेजुअली जो है धीरे 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 जो है उसकी जो ट्रॉमा की मेमोरी है वो आती जाएगी, तो ये जो डिफेंस जो बना था ये वीकेंड हो जाएगा और बाद में टूट जाएगा। जब पूरी मेमोरी आ जाएगी तो डिफेंस मैकेनिज्म जो साइकोलॉजिकल बना था वो ब्रेक हो जाएगा और वो PTSD में कन्वर्ट हो जाएगा। एक थ्योरी ये है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो इंडिविजुअल को वल्नरेबल बना देता है, वल्नरेबल मतलब थोड़ा सा कमजोर कर देता है, फिर फ्यूचर में जब लाइफ में और कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स आते हैं तो वो जो पहले जो कमजोर हो चुका था उसकी वजह से फिर वो PTSD बन जाता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि क्यों जो है बाद में होता है कुछ लोगों के। और इसके अलावा एक थर्ड एक्सप्लेनेशन भी है, वो ये है कि भाई जो पहला वाला ट्रॉमेटिक इवेंट था उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, वो तो आदमी हील हो गया या डिफेंस मैकेनिज्म बरकरार है, ये जो बाद का ट्रॉमेटिक इवेंट है इसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहले वाले की वजह से है क्योंकि पहले वाला याद है। सो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं कि व्हाई PTSD हैपेंस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर पोस्ट द ट्रॉमेटिक इवेंट। ये तीनों पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे पढ़ूँ, ठीक। नाउ नेक्स्ट है जो डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पे ट्रॉमेटिक इवेंट जो है वो एलिसिट होता है। सो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है मिलिट्री कॉम्बैट का। अब सबसे इससे पहले कि मैं इसमें जाऊँ, रिमेंबर हमने जो है कुछ फैक्टर्स जो है पढ़े थे कि किस किस केसेस में जो है पैथोलॉजिकल केसेस बन सकते हैं। तो उसमें से एक ये था कि सोशली एंजेंडरिंग रोल्स है ना, सोशली जो ट्रॉमेटिक एंजेंडरिंग रोल है तो उसमें से एक जो है मिलिट्री कॉम्बैट वाला है। तो अब सोसाइटी भी चाहती है कि लोग सोसाइटी के लोग मिलिट्री में जाएं, लोग भी जाना चाहते हैं मिलिट्री में,
लेकिन वहाँ पे जो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो हर एक को सूटेबल हो ही जरूरी नहीं है। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे दिया है कि जैसे वॉर में जो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे तो या जो टेररिस्ट को फाइट करते हैं वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं जो कि बहुत ग्रूसम होती हैं, ट्रोमैटिक होती हैं, कई बार मॉरल इश्यूज भी होते हैं, है ना, कि हमें हमारी वजह से हो सकता है कि कोलेटरल डैमेज हो जाए, उसमें इनोसेंट लोग भी मर जाएं, पॉसिबल है। तो इस टाइप के ट्रॉमेटिक इवेंट भी होते हैं तो वो जो है आदमी के लिए ट्रॉमेटिक हो सकते हैं। तो इसमें जो पर्टिकुलर केस दिया है कि जो दो फ्रेंड्स थे सूरज और मोहन, तो उसमें से जो है मोहन सर्वाइव कर जाता है और सूरज वॉज हिट बाई ए बुलेट और वो मर जाता है। सो नाउ द मोहन हैज डेवलप्ड सर्वाइवल गिल्ट कि वो तो सूरज तो मुझसे बहुत अच्छा था, मुझे मरना चाहिए था, वो उसको नहीं मरना चाहिए था। समहाउ ही स्टार्ट डेवलपिंग ए सेंस ऑफ गिल्ट दैट समहाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ सूरज, जो हमने अभी बात करी थी कि सर्वाइवर्स गिल्ट वाली जो बात करी थी। तो फिर इसमें सब क्या होगा, वही एल्कोहलिज्म होगा, बिहेवियर में निगेटिव चेंजेस आएंगे, इरेटेबिलिटी, एंगर, नाइटमेयर्स आना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करना, कुड रिजल्ट इन डिप्रेशन ऑल्सो, फैमिली लाइफ डिसरप्ट हो जाएगी। ऑब्वियस बात है जो अगर मैरिड है कोई इंसान और PTSD का पेशेंट है तो इफेक्ट तो फैमिली पे आएगा ही आएगा। और वही जो हमने भी बात की थी कि फोर शॉर्टेंड फ्यूचर ही स्टार्टेड बिलीविंग कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, है ना, तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। सो अमेरिका में जब वियतनाम वॉर से जो लेके लौट के आए थे वॉर वेटरन्स, उनमें ये बहुत देखे गए थे ये सिम्टम्स। नेक्स्ट है ट्रॉमा ऑफ नेचुरल डिजास्टर। सो इसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक बच्चे का 10 ईयर ओल्ड, सो वहाँ पे जहाँ पे रहता था नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या है, जैसे अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, सुनामी है, जैसे अभी आया था विपर्जॉय आया था तूफान, तो ये यहाँ पे सुनामी की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है एक बच्चा था वो कहीं घर से दूर था तो वेव आ रही थी, घर जो है सी कोस्ट के नज़दीक था तो घर में वार्न करने के लिए जाता है, इससे पहले जो है वेव घर तक पहुँच गई और जो है घर जो है तहस नहस हो गया, उसकी मदर और छोटी सिस्टर उसमें बह गई, ये भी पानी में बह गया, बट समहाउ ही कॉट होल्ड ऑफ ए ट्री ट्रंक, पेड़ के तने से लटका रहा तो ये सर्वाइव कर गया। इसके फादर बाहर गए हुए थे, ही वर आउट ऑफ द टाउन, तो ऑब्वियसली फादर सर्वाइव। ये फिर जो है किसी जो रिलीफ कैंप है उस फादर लौट के आया तो उनको जो है ये मिला किसी रिलीफ कैंप में, उनके गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स थे तो उन्होंने ढूंढा अपने बच्चे को, मिल गया। अब जो है वही ब्लंटेड इमोशन वाली बात थी और द चाइल्ड ऑल्सो डेवलप्ड टिक इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस आई ब्लिंकिंग, ये होने लग गया, जब भी कोई उससे बात करेगा तो आई ब्लिंक जो है कि वो करने लग जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना कि एक सिम्टम जो है PTSD का एक ये भी है, टिक भी हो सकता है। फिर कुछ समय बाद जो है कुछ दिन बाद पता चल गया कि उसकी मदर और सिस्टर जो है उनकी डेड बॉडी मिल गई, दे डाइड। तो बच्चे को जब बताया गया तो ही केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट द पर्सन विद ए ब्लैंक लुक विदाउट वीपिंग, कोई फेस पे एक्सप्रेशन चेंजेस नहीं। तो ये जो नंबनेस वाली जो मैंने बात बताई थी इस टाइप का होता है नंबनेस। एंड देन द चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू स्लीप पीसफुली, या सोते में या तो उसकी बॉडी जो है ऐसे अकड़ सी जाएगी, कांपेगा, या जैसे गुर्राना टाइप का होता है ग्रोनिंग, दैट वॉज ऑल्सो देयर विद द चाइल्ड। इस टाइप के सिम्टम्स PTSD के होते हैं चाइल्ड में, ये नेचुरल डिजास्टर केस की हमने बात करी है। फिर मैन मेड डिजास्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है केस दिया है कि एक पर्टिकुलर कोई लोकेलिटी थी, उस लोकेलिटी में जो है एक गोडाउन था फायर क्रैकर्स का, तो अब वहाँ पे जो शॉप्स वगैरह भी थी तो फायर क्रैकर का गोडाउन जो है नॉर्मल जो दुकानों के बीच में है तो वो एक डेंजरस चीज़ तो है ही है, कभी भी उसमें आग लग सकती है, आसपास आग लग जाएगी। सो पीपल ट्राइड टू गेट द गोडाउन शिफ्टेड, लेकिन
गवर्नमेंट का काम है, नहीं किया गवर्नमेंट ने फॉर व्हाटएवर रीजंस जो भी है, फिर वन फाइन डे दैट गो डाउन कॉट फायर और आसपास की दुकानें भी जल गई। तो वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर निजिल था जिसकी दुकान थी उसकी भी जल गई। तो अब यहाँ पे जो है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि जो है ये तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इज नॉट ए सिंगल पर्सन, और उसका ट्रोमेटिक इवेंट तो है ही है, उसकी दुकान जल गई है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना। तो अब उसमें वही PTSD वाले सिम्टम्स आने लग गए, जैसे वो जो लोकल MLA है उसके अगेंस्ट में एक्सट्रीम एंगर, कि सम हाउ जो लोकल MLA है उसको वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मान रहा है कि इसके पास हम गए थे, बोला था, नहीं माना, ये इस तरह से होता है। तो खूब जो है गुस्सा करना, नाइटमेयर्स आना, स्लीप डिस्टर्ब होना, एपिटाइट जो है लो हो जाना, कोई ज़्यादा खुशी ना होना, जैसे कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, उसमें उसकी फेवरेट टीम जीत भी गई है, उसको बताया तो कोई ब्लंटेड इमोशन है, नमनेस वाली बात, वो इमोशनल नमनेस बड़ों में भी थोड़ी होती है लेकिन कम चाइल्ड में ज़्यादा होती है। वी आर कमिंग टू पर्सनल, ये जो हमने बात की थी ये तो ग्रुप में हमने बात की थी कि ग्रुप में हो रहा था, सुनामी आई तो सबके लिए आई, गोडाउन जला तो सबकी दुकानें जली है ना, वॉर होगी तो सबके लिए होगी, किसी एक के लिए नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंडिविजुअल की पर्सनल जो है सेफ्टी सिक्योरिटी को जो है अफेक्ट करती हैं। तो इस पर्टिकुलर हमें समझना होगा कि इंडिविजुअल जो है जब किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट से जा रहा है, इंक्लूडिंग वो नेचुरल डिजास्टर हो या कोई सा भी हो, तो जो है उसमें तीन जो है फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है एक्सट्रीम फियर का, फियर होना नॉर्मल चीज़ है, हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम फियर की। सेकेंड फेस होता है कि इंडिविजुअल विल फील हेल्पलेस, उसके अंदर आएगी ये फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड जो अनसर्टेनिटी थर्ड है। तो एक्सट्रीम फियर, हेल्पलेसनेस एंड अनसर्टेनिटी, ये तीनों जो है चीज़ें आती हैं जब ट्रॉमेटिक इवेंट कोई भी होता है। तो इसको जो है जो पहला वाला जो है फेस की अगर हम बात करें तो एप्रीहेंशन फेस, एप्रीहेंशन फेस में क्या है कि इंडिविजुअल इज फियरिंग कि उसके अगेंस्ट में या उसको कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, ये एप्रीहेंशन फेस है। द पर्सन फील्स एप्रीहेंसिव कुछ होने वाला है, ठीक है। और जब एप्रीहेंसिव फेस आता है इसके साथ ही साइमल्टेनियसली इसी फेस में द पर्सन विल ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, जैसे कि अगर उसको लगा कि कोई खतरा है, लेट अस से कि कोई शेर आ रहा है, तो वो कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, भागेगा या पेड़ पे चढ़ेगा या शेर को भगाने की कोशिश करेगा, वॉट एवर दैट मे बी। सो एप्रीहेंशन फेस का ही एक पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एफर्ट एट कंट्रोल। फिर सेकेंड फेस है कि इम्पैक्ट फेस, जब वो एक्चुअली इवेंट होता है जो भी वो डर रहा है, जैसे अगर कोई आदमी कार चला रहा है तो कार स्किड करी तो ये एप्रीहेंशन फेस हुआ, अभी स्किड हो रही है उसको खतरा है कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या मेरी कार कहीं गड्ढे में गिर सकती है, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा स्टीयरिंग से, ब्रेक से, गियर से, वॉट एवर, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एफर्ट फॉर कंट्रोल। फिर इम्पैक्ट फेस, एक्चुअली गाड़ी जो है स्लिप करके रोल ओवर कर जाएगी या गड्ढे में गिरेगी या दूसरी जगह से भिड़ जाएगी, दैट इज इम्पैक्ट फेस। तो अब जब इम्पैक्ट फेस में जो है इंडिविजुअल इज हेल्पलेस, द पर्सन इज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब शेर जो है दौड़ के आ ही गया, अब तो जो करेगा शेर करेगा, हम क्या कर सकते हैं, या गाड़ी अब जो है पलट गई है तो जितने भी उसने रोल करने हो करेगी करेगी, हम तो गाड़ी के अंदर हैं, हम वी आर फीलिंग हेल्पलेस, वी के नॉट डू एनीथिंग। सुनामी की वेव आ ही गई है तो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो तो जितनी बहा के ले जाएगी ले जाएगी, जहाँ पे भी हमको ले जाएगी ले जाएगी, वी आर हेल्पलेस। सो इम्पैक्ट फेस में हेल्पलेसनेस होती है, एप्रीहेंशन फेस में देयर इज एन एफर्ट टू हैव कंट्रोल, और फाइनली जो है पोस्ट ट्रोमैटिक सिचुएशन होती है जबकि जो ट्रोमैटिक सिचुएशन हो गई है। अब इसको जो थर्ड वाली सिचुएशन है, पोस्ट ट्रोमैटिक सिचुएशन है, इसको फर्दर जो है दो फेस में डिवाइड किया जा सकता है। द थर्ड फेस विच इज पोस्ट ट्रोमैटिक सिचुएशन, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। कौन कौन सी, नंबर वन इज रिकॉयल फेस,
रिकॉयल फेस में क्या है कि जो जब फियर, एंजाइटी, मे बी गिल्ट, ये जो है प्रीडोमिनेट करता है. ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, ओवर हो गया, जो कुछ होना था हो गया. अब उसके बाद में फियर, एंजाइटी या गिल्ट कुछ भी अंदर आया इंडिविजुअल के अंदर, ये रिकॉयल फेस हुआ. और सेकेंड फेज जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन का है रिकंस्ट्रक्शन फेज. रिकंस्ट्रक्शन फेज में जो इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है. अच्छा, ये ध्यान रखना, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट में इमीडिएटली एकदम से साइकोथेरेपी स्टार्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं. मैंने ये नहीं बोला है कि उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड नहीं देंगे. साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड तो देते हैं, लेकिन फुल फ्लेज ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं. दैट इज स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम. भाई ये भी तो हो सकता है कि इंडिविजुअल को जो पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट से खुद ही बाहर निकल के आ जाए, है ना, या उसको ट्रॉमेटिक इवेंट से कोई इफेक्ट ही ना पड़े, पर्सन रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर सम टाइम. सो और मोर इम्पॉर्टेंटली, इमीडिएटली इसलिए नहीं देते हैं कि उस टाइम जो इंडिविजुअल है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है. अगर मान लो कि उसको ट्रॉमेटिक इवेंट ने अफेक्ट किया भी है, सपोज, सो इवन इफ यू गिव द साइकोथेरेपी, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग. तो इसलिए इमीडिएटली जो है साइकोथेरेपी या फुल फ्लेज्ड ट्रीटमेंट ऑफ पीटीएसडी नहीं करते हैं आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट, लेकिन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जरूर देते हैं. जो इमीडिएटली हौसला बढ़ाना, उसको सेंस ऑफ कंट्रोल फील कराना, उसको सपोर्ट सिस्टम देना, है ना, उसको सेफ्टी में ले जाना, ये सब चीज़ें तो करते हैं. ये दीज आर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड्स. यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है. नाउ इसमें जो एक एग्जांपल दिया है, एक केस स्टडी दी है, कोई असीम है, वो उसका जो है कार एक्सीडेंट होता है. वो खूब कोशिश करता है अपने एक्सीडेंट को बचाने की, बट वो बचा नहीं पाता, एक्सीडेंट हो जाता है. तो वो जो है उसकी गाड़ी जो है उलझ के जाके कहीं बुशेस में उलझ जाती है, और ये कहीं गाड़ी पलट जाती है, उसमें से गाड़ी से निकल के बुशेस में फंस जाता है, कुछ कर नहीं पाता. फिर लोग बाग उसको कहीं देखते होंगे, उठा के ले जाते होंगे. अब जब उसको ले जाते हैं तो बाद में जो है उसको अनकॉन्शियस होता है बॉडी से, लेकिन बाद में उसको जब फ्लैशबैक आने शुरू होते हैं उस मोमेंट के, कब, कि जब उसको एक्सीडेंट, उसको समझ में आया कि अब एक्सीडेंट हो गया. बेहोश तो हो गया था वो बाद में एक्सीडेंट के, लेकिन बेहोश होने से पहले जब एक्सीडेंट हुआ वो तो उसको पता था ना कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है. तो वो बाद में उसको याद आने लग गए धीरे धीरे. तो अब उसको एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स होने लगे, सडन ऑडियो एंड विजुअल जो है स्टिमुलस से स्टार्टल रिस्पॉन्स होने लगे. और वो जब कार ड्राइव करते में उसको पैनिक अटैक हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब वो कार चला रहा है तो कार का जो ड्राइविंग सिचुएशन वही है जब एक्सीडेंट हुआ था, वो ड्राइव कर रहा था, स्टिमुलस मिलता जुलता है, तो वो ट्रिगर हो रहा है, तो इसलिए पैनिक अटैक आएगा. और अब पैनिक अटैक आ रहा है बार बार, तो पैनिक डिसऑर्डर हो गया. अब उससे बचने के लिए फिर क्या, उसने अपनी ड्राइविंग ही छोड़ दी. सो ये पीटीएसडी का अनदर एग्जाम्पल है. सो जो इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 9% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन इज हैविंग पीटीएसडी. अब सोचो, हिसाब लगाते जब हमने पिछले दो पढ़े थे उसमें 11.2 करोड़ हो गए थे, अगर हम परसेंटेज की बात करें, हैं, सो एड अनदर अबाउट 12.5 करोड़, तो ये नियरली 24 करोड़ लोग हो गए. सो बाय द टाइम वी फिनिश ऑल द डिसऑर्डर्स, यू विल फाइंड दैट ऑल द पॉपुलेशन इज हैविंग सम और द अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कईयों को मल्टीपल भी तो हो सकते हैं, किसी को दो या तीन भी हो सकते हैं. सो इट इज़ नॉट दैट एवरीबडी इज हैविंग सम और द अदर काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, दैट आई वॉज सेइंग जोकिंगली. बट पॉइंट इज, हमको समझने का ये है कि काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैं हमारे आसपास जिनको हेल्प की ज़रूरत है, विच एज ए साइकोलॉजिस्ट वी शुड प्रोवाइड. सो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आस्पेक्ट है कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट कैसे अफेक्ट करेगा, वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, विच इज़ हाउ द सोसाइटी लुक्स अपॉन इट. जैसे मैंने बताया था कि वियतनाम वॉर से जो आए थे लौट के अमेरिकन सोल्जर्स, उसमें काफ़ी लोग थे
जिनको पीटीएसडी था। लेकिन अगर हम नंबर टू नंबर कंपेयर करें, जैसे 100 हमने लोग लिए जो पीटीएसडी वाले थे वियतनाम वॉर के, और 100 लोग लिए जो रेप विक्टिम है, मतलब मेल और फीमेल डजंट मैटर, तो जो 65% केसेस जो रेप विक्टिम थे वो पीटीएसडी उनको डेवलप हुआ। वेराज इन द केस ऑफ वॉर जिन्होंने ट्रॉमेटिक इवेंट देखा था, ओनली 15% डेवलप्ड पीटीएसडी। रीजन कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस है वॉर के लिए कि भाई हमने ही तो वॉर के लिए भेजा था, वहाँ इसने ये ट्रॉमेटिक इवेंट फेस किया, इसकी वजह से इसको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ। सम हाउ सोसाइटी जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, दे आर नॉट एबल टू कम टू द टर्म्स विद द फैक्ट दैट ये इंडिविजुअल की गलती नहीं है कि उसका रेप हुआ है। सम हाउ मैनी पीपल टेंड टू ब्लेम द विक्टिम फॉर द रेप। तो वही जो हमने बात की थी सोशल सपोर्ट वाली, यहाँ वो आ जाती है जो वॉर वेटरन्स हैं जिनको वॉर के दौरान ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुआ, उनको सोशल सपोर्ट अवेलेबल है। वेयर एज रेप विक्टिम को फैमिली सपोर्ट मे बी अवेलेबल, बट सोशल सपोर्ट जनरली नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक। नाउ थियोलॉजी, वही अगेन क्यों होता है, रीजंस। सो इसमें जो है सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, जो अगर कोई वल्नरेबल पर्सनैलिटी है, जैसे पर्सनैलिटी में ये भी तो होता है ना, नर्वस सिस्टम किसी का कैसा है। सो हम इनहेरिट करते हैं पर्सनैलिटी भी फैमिली में, जो जनरेशन से आ रही हैं, तो वो पर्सनैलिटी भी एक फैक्टर होता है कि पीटीएसडी होगा या नहीं होगा। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उनको नहीं होता है। कुछ होते हैं जैसे कोई इंट्रोवर्ट है, शाई है, टिमिड है ना, वेरी सबमिसिव है, तो उनको ज़्यादा होगा। फिर दूसरा क्या है कि जो व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू ट्रॉमेटिक इवेंट, तो उसके अंदर जो है मैंने बताया था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन दोनों सिक्रीट होते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, एड्रेनलिन को जो है एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉरएड्रेनलिन को नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन लिखा है और यहाँ पे तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन लिखा हुआ है, सो कंसिडर इट सेम। सो जो पोस्ट जो ट्रोमेटिक इवेंट है वो नॉर एड्रेनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। नॉर एड्रेनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है का मतलब क्या हुआ, नॉर एपिनेफ्रिन जो है रिलीज होता है, उसका लेवल हाई होता है, यानी कि नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है। नॉर एड्रेनलिन बोलो या नॉर एपिनेफ्रिन बोलो, ये बातें की है। अब इसकी वजह से जो एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स है वो होता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर होगा। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, नाउ कम द साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, एक तो पर्सनैलिटी मैंने बताया था कि हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है ना। जो पहले हमने बायोलॉजिकल फैक्टर में पर्सनैलिटी की बात की थी वो तो फैमिली से जो इनहेरिट किया है वो है। कुछ पर्सनैलिटी हम अपनी भी तो डेवलप करते हैं, तो हमारे थॉट प्रोसेस पे भी तो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, टोटली फैमिली से थोड़ी होता है। हमने क्या एक्सपीरियंसेस लाइफ में देखे, हाउ वी टर्नड आउट, तो वो और लाइफ इवेंट्स, ये साइकोलॉजिकल में हुआ। तो इसमें जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया का एग्जांपल करें, तो जो लोग जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के टाइम में डिस्प्लेस होके आए थे, तो उनके साथ जो सारा उनका जो है पैसा, जमीन, जायदाद सब वहीं छूट गया था, पहला ट्रॉमा ये है। फिर कई उनके फैमिली मेम्बर्स वहीं मार दिए गए थे, दूसरा ट्रॉमेटिक इवेंट है। फिर तीसरा जब यहाँ पे आए, क्योंकि उनके पास में कुछ था ही नहीं, तो डिप्रिवेशन और ह्यूमिलेशन, उनका पैसा भी नहीं है और क्योंकि पैसा नहीं है तो लोग उनको ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं। तो सीरीज ऑफ जो है इवेंट्स ऐसे हुए जो ट्रॉमेटिक उनके लिए थे, विच एनहेंसेज द रिस्क ऑफ पीटीएसडी। ये पॉइंट अंडरस्टूड है? फिर नेक्स्ट इज साइकोएनालिटिक अप्रोच। साइकोएनालिटिक में वही इड ईगो और सुपर ईगो और अनकॉन्शियस कॉन्शियस वाली बात है।
तो जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने बताया था कि वो इंडिविजुअल ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाया है लेकिन अनकॉन्शियस में चला गया रिप्रेस होके, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन भी एक होता है। तो अनवांटेड या ट्रॉमेटिक इवेंट को अंदर डालने के लिए जबरदस्ती अनकॉन्शियस में रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। तो डाल तो दिया अनकॉन्शियस ने लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ था, तो फिर वो अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो जो है ईगो के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये साइको एनालिटिक एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें जो है क्या तरीका होगा कि वही जो है हम उसको साइकोथेरेपी उसकी करें, तो फ्री एसोसिएशन वाला जो है इंडिविजुअल अपने रैंडमली कुछ भी बोलता रहे, धीरे धीरे जो उसके अनकॉन्शियस में वो निकल के कॉन्शियस में आ जाएगा, देन पर्सन विल फील रिलीव्ड, हील हो जाएगा। देन लर्निंग थ्योरी अप्रोच, तो लर्निंग थ्योरी में एक अभी तक तो हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की थी, यहाँ पे एक और भी लर्निंग होती है। जैसे अगर जो है कोई हम एक्शन करते हैं और उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो हमको फेवरेबल मिलता है, तो हम उस एक्शन को बार बार करते हैं, और अगर किसी एक्शन का या किसी इवेंट का रिजल्ट हमको नेगेटिव मिल रहा है, खराब मिल रहा है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। सो लाइक वाइज जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो तो प्लेजेंट तो है नहीं, अनप्लेजेंट है, हाईली अनप्लेजेंट है। तो उस ट्रॉमेटिक इवेंट को इंडिविजुअल हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेगा। द पर्सन हैज लर्न टू अवॉइड द सिचुएशन विच रिजल्टेड इन टू ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। ये लर्निंग थ्योरी अप्रोच है। इज इट अंडरस्टूड? ओके। देन कॉग्निटिव अप्रोच, जो मैंने अभी बताया था फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म। अब जो उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि सिचुएशन को अवॉइड करो, तो अब ये तो गलत है क्योंकि हमेशा तो अवॉइड नहीं कर सकते हो। कार में एक्सीडेंट हुआ था तो जिंदगी भर कार को थोड़ी अवॉइड कर सकते हो, यू हैव टू फेस द रियलिटी। कार में कभी ना कभी तो बैठना ही पड़ेगा, ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा, बस में बैठना पड़ेगा, एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने से सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा। तो जब ये उसको समझ में आएगा तो फिर वो ट्रीटमेंट कराएगा अपने आप को, फिर कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, ग्रेडेड एक्सपोजर है, फ्लडिंग है, जो भी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो है वो डाल के हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द फोर रीजन्स वाई इट है। देन फिफ्थ इज लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है। अब एग्जिस्टेंशियल अप्रोच वाली बात समझो कि ये कैसे लागू होती है यहाँ पे। क्या होता है जब आदमी को ट्रोमैटिक इवेंट होता है, सो द पर्सन सडनली चेंजेस हिज और हर आउटलुक ऑफ लाइफ, एकदम से उसका चेंज हो जाता है। जैसे कोई मरते मरते बचा, अब वो मरते मरते बचा तो उसको सडनली लगेगा यार जिंदगी तो बेकार है, तो कभी भी खत्म हो सकती है, मैंने इतना सब कुछ जो है किया आज लाइफ में, सब बेकार हो जाता है ना। सो फोर शॉर्टेडनेस ऑफ फ्यूचर जो हमने बात की थी वो होने लग जाएगा, नियलिस्टिक एटीट्यूड हो जाएगा। वही अगर जो है आदमी को कोई मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाए, इंडिविजुअल सीज की यस लाइफ में बहुत कुछ अभी करने को है, इतना कुछ है लाइफ में करने को, ये मेरी लाइफ मैटर करती है, इट इज़ नॉट दैट माई लाइफ डजेंट मैटर, तब वो लाइफ में कुछ करेगा। ये जो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है ये विक्टर फ्रैंकल ने स्टार्ट की थी। सो विक्टर फ्रैंकल जो है वो ही वॉज अ साइकियाट्रिस्ट इन वियना। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लेट 1930s की, अराउंड 37-38। तो उस टाइम जो है ऑस्ट्रिया में जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, अभी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था लेकिन कब्जा कर लिया था, ऑलमोस्ट जो है पूरी वियना जो है वो हिटलर के कब्जे में थी। तो लेकिन तब तक जो है वो लोग ऑस्ट्रिया से लोगों को बाहर जाने के लिए वीज़ा देते थे। क्योंकि विक्टर फ्रैंकल जो है वो साइकेट्रिस्ट था, तो उसको और उसकी वाइफ को वीज़ा मिल गया था बाहर जाने के लिए, कि विक्टर फ्रैंकल वाज ज्यू एंड नाजीज वर किलिंग ज्यूज, तो वो बाहर जा सकता था। लेकिन उसके पेरेंट्स को वीज़ा नहीं मिला था जो कि ओल्डर थे, तो उसने सोचा एक बार जाने से पहले अपने पेरेंट्स से मिल लूँ मैं।
तो अपने फादर से मिलने गया उनके घर में, अपने पेरेंट्स के पास में। तो ज्यूज जहाँ पे प्रेयर करते हैं उसको साइनागॉग कहते हैं। तो जो नाजीज से उन्होंने साइनागॉग्स को डिस्ट्रॉय किया था, तो इसके फादर ने इसको बोला कि मैं जो है साइनागॉग से एक पत्थर छुपा के ले आया हूँ नाजी से बचा के, जिसमें कि जो 10 कमांडमेंट्स वो लिखे हुए हैं। तो वो लाके उन्होंने बड़े एंथुजियास्टिकली विक्टर फ्रैंकल को दिखाया। तो उसमें से एक कमांडमेंट ये थी कि यू शैल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तो अब इसके अंदर जो है ये फीलिंग आती है विक्टर फ्रैंकल के अंदर कि ये मैं तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहा हूँ। सो देन ही डिसाइड्स कि दूसरों की हेल्प करना जो है मेरे लाइफ का मीनिंग है। आई विल हेल्प अदर्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। तो वो वहाँ रुक तो गया, फिर जो है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैम्प में सभी ज्यूज़ को भेज रहे थे नाजीज, तो विक्टर फ्रैंकल को भी, इसकी वाइफ को भी, इसके पेरेंट्स को भी जो है अरेस्ट करके भेजा और अलग अलग जगह भेजा। विक्टर फ्रैंकल को पता भी नहीं था कि वो कौन कहाँ पे कैसे है। इवन जो जहाँ पे इनह्यूमन कंडीशंस हैं कॉन्सेंट्रेशन कैम्प में, देयर ही वॉज हेल्पिंग पीपल। मतलब इतनी कंडीशन ख़राब थी कि लोग सुसाइड बहुत करते थे वहाँ की। ऐसा जीना क्या जीना, जो खाना मिलना चाहिए एक हेल्दी आदमी को जिंदा रहने के लिए उसका 25% दिया जाता है, और उसमें भी जब वो बीमार हो जाता है किसी काम का नहीं रहता फिर उसको मार के जला दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ, इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिल्दी कंडीशंस, एकदम अनहाइजीनिक कंडीशंस, ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस में रखा जा रहा है कंसंट्रेशन कैम्प में, टू बी किल्ड अल्टीमेटली। तो सुसाइड तो लोग काफ़ी करते थे। तो विक्टर फ्रैंकल जो है वो लोगों की काउंसलिंग करता था, ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट। तो एक बार उनके फ्रेंड्स ने जो है, विक्टर फ्रैंकल के फ्रेंड्स ने वहाँ से भागने का प्लान भी बना लिया, सब कुछ हो गया, और विक्टर फ्रैंकल को बोला चलो हम यहाँ से भाग रहे हैं तुम भी चलो। ही सेड कि माई मीनिंग ऑफ लाइफ इज हेल्पिंग अदर्स, मैं यहाँ पे बहुत लोगों की जान बचा रहा हूँ बाई हेल्पिंग देम नॉट टू कमिट सुसाइड। तो मैं बाहर जाके वो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग बाहर जाओ और मेरी वाइफ मिले तो उसको बताना कि आई एवरी सिंगल डे आई रिमेंबर हर। और विक्टर फ्रैंकल स्टेड देयर एंड ही यूज टू इमेजिन कि वन डे ही इज एड्रेसिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन एन ऑडिटोरियम अबाउट हिज एक्सपीरियंसिस इन कॉन्सेंट्रेशन कैम्प एंड राइटिंग बुक्स। तो खैर ही डिडंट गो विद हिज फ्रेंड्स, वो भाग के चले गए वहाँ से, ही स्टेड देयर। फिर अल्टीमेटली जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जर्मनी हार गया, अमेरिकन फोर्सेस ने आके रिलीज कर दिया इनको सबको, और वो जो सब इमेजिन करता था वो वास्तव में हुआ। ही एक्चुअली एड्रेस्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन एन ऑडिटोरियम इन अमेरिका एक्सप्लेनिंग हिज एक्सपीरियंसिस इन कॉन्सेंट्रेशन कैम्प, इतना ट्रोमेटिक इवेंट के बावजूद। एंड ही रोट बुक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसिस इन कॉन्सेंट्रेशन कैम्प। सो दिस इज वॉट हैपन्स इफ यू हैव ए मीनिंग ऑफ लाइफ, नो इवेंट इज टू ट्रोमेटिक फॉर यू। जैसे अरुणिमा सिन्हा का मैंने बताया, शी वॉन्टेड कि शी शुड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि नो मैटर वॉट हैपन्स टू यू, यू कैन डू एनी थिंग इन लाइफ। शी वॉन्टेड टू बी ए लिविंग एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दैट्स हाउ शी केम आउट ऑफ दैट ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, और दूसरा सोसाइटी जो है जिस चीज़ को अच्छा मानती है उसमें सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा तो वो उसका इम्पैक्ट कम होगा। जैसे PTSD और वॉर वेटरन्स एंड रेप सर्वाइवर्स का मैंने बता दिया था, रेप के केस में 65% पीपल डेवलप PTSD, वॉर के केस में 15%। सो ये मॉडल दिया है PTSD का, भी चाहे ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें खाली डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। तो इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन, सबसे नीचे लाइफ इवेंट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हमारे किसी के साथ हो सकता है। तो दूसरा पर्सनैलिटी, अगेन ये हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, कुछ है जो भगवान ने हमको पर्सनैलिटी दी है और दी है। अब ट्रॉमेटिक इवेंट कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। फिर मल्टीपल ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, सीरीज ऑफ इवेंट्स भी हो सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हमारा मैल अडेप्टिव कोपिंग है, जैसे अवॉयडेंस है या फोर शॉर्ट एंड फ्यूचर
है ना, इस टाइप की चीजें हैं, तो फिर जो है पीटीएसडी डेवलप होगा। अगर एडेप्टिव कोपिंग है तो नहीं होगा, जैसे अरुणिमा सिन्हा और विक्टर फ्रैंकल का मैंने बताया। तो फिर क्या होगा कि इंट्रूसिव मेमोरी होगी, एक्सेसिव अराउजल होगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी, डिसरप्टिव इमोशंस होंगे, एंड दिस ऑल कन्वर्जेस इनटू पीटीएसडी। प्रिवेंशन की बात करें, हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब पीटीएसडी ट्रॉमेटिक इवेंट किसके साथ होगा, कब होगा, वी कैन नेवर से, लेकिन जब होगा अगर हम उसके लिए पहले से तैयार हैं तो चांसेस घट जाते हैं पीटीएसडी के। तो उसके लिए क्या होता है, देर इज समथिंग कॉल्ड इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग। तो इसको मैं समझाने से पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है इनोक्यूलेशन और एक होता है वैक्सीनेशन। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वैक्सीनेशन में क्या है, हम एक्सटर्नली कोई मेडिसिन देते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज से फाइटिंग में की कैपेबिलिटी हमारी बॉडी को देती है, दैट इज वैक्सीनेशन। जैसे अभी बचपन में से ही बच्चों को कई वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। इनोक्यूलेशन में क्या होता है, जिस डिजीज से फाइट करना होता है उसी डिजीज के जो है कुछ बैक्टीरिया जो है बॉडी में डाले जाते हैं, तो फिर बॉडी जो है उसकी एंटीबॉडीज बनाती है। तो एक्चुअली जब कभी एक्सपोजर होता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से रियल लाइफ में, तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उससे फाइट करने के लिए, तो उतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं होगा और बॉडी जो है हो सकता है कम्प्लीटली ओवरकम कर ले उस इन्फेक्शन को और वो प्रॉब्लम आए ही ना। सो यानी कि जो होने वाला है उसकी तैयारी अगर पहले कर ली जाए तो उसे कहेंगे इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग। जैसे इन द केस ऑफ सोल्जर्स, जिसे हम बात करें, सोल्जर्स जो भी अपनी लाइफ, या पुलिस कह लो, वो अपनी लाइफ में जो भी फेस करने वाले हैं, भाई उनको लॉट ऑफ शूटिंग, किलिंग, डाइंग, ये सब इंजरीज, ये सब देखने को मिलेंगी, तो वो ट्रॉमेटिक ना बने उसके लिए ट्रेनिंग में ही उनको वो सब एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं दिया जाता कि वो मर ही जाए, इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, ऐसा नहीं दिया जाता, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। टफ लाइफ कंडीशंस, टफ वर्किंग कंडीशंस, है ना, ये सब चीजें उनको ट्रेनिंग से ही दी जाती हैं कि गोली बगल से जाएगी तो कैसा महसूस करता है, तो सेफ जगह बिठा के आसपास से गोली मारते हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो कैसा लगेगा, तो बॉम्ब ब्लास्ट जो है उनको फेस करवाते हैं सेफ कंडीशंस में। तो जब वो एक्चुअली लाइफ में फेस करेंगे तो ऑलरेडी क्योंकि एक्सपीरियंस है तो वो ऐसे पीटीएसडी में नहीं आएंगे, दिस इज इनोकुलेशन ट्रेनिंग। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहिए। अगर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट रखेंगे तो फिर जो लाइफ में ट्रोमेटिक इवेंट्स, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, देन दे विल बी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो इसलिए थोड़ा थोड़ा बच्चों को एक्सपोजर देना चाहिए ट्रोमेटिक इवेंट्स का, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज एंड पर्सनैलिटी, है ना, कंट्रोल्ड मैनर में, कि उनका साइकोलॉजिकली या फिजिकली डैमेज ना हो, बट दे डेवलप इनोक्यूलेशन टूवर्ड्स द ट्रोमेटिक इवेंट्स ऑफ लाइफ। ये क्लियर है तो मैं आगे पढ़ूँ? ठीक, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहला वही है साइकोएक्टिव ड्रग्स, ये साइकेट्रिस्ट ने देनी है, कौन सी देगा वो उसको डॉक्टर को डिसाइड करना है। सो इसमें एक एग्जाम्पल जो है वो है जो मैंने अभी बताया था कि शॉर्ट टर्म क्राइसिस थेरेपी, वो हम दे सकते हैं पीटीएसडी के केस में। ये भी एक थेरेपी है, शॉर्ट टर्म क्राइसिस थेरेपी, ये साइकोलॉजिस्ट देगा, ठीक है। फिर इसका जो ड्रग्स वाला जो ट्रीटमेंट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अब नहीं होता है लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में होता था। जो मैं बता रहा था ना कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो प्रोसेस नहीं हो पाया ढंग से, वो अनकॉन्शियस में है, अटका हुआ है, अनकॉन्शियस में जिंदा है, उसको प्रोसेस नहीं है। तो एक जो है ट्रीटमेंट था, उसका नाम था नार्कोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है कि एक मेडिसिन दी जाती थी जो वॉर वेटरन्स थे वियतनाम वॉर के, उस मेडिसिन का नाम होता था सोडियम पेंथेटॉल। ये अभी भी यूज होता है पर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, अभी बताऊंगा मैं। तो ये सोडियम पेंथेटॉल जो है इसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, सोडियम सोडियम पेंथेटॉल इज ऑल्सो नोन एज ट्रुथ सीरम। ये यूजीसी नेट के से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नार्कोसिंथेसिस भी, कि इसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं, इट कैन बी दैट।
सोडियम पेंथेटॉल जो है वो देते हैं तो इंडिविजुअल जो है ड्राउजी स्टेट में आएगा और उसके दिमाग में जो भी है वो सब बोलेगा अनकॉन्शियस से है। तो अब जब वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ गया तो अब ये हो गया कि भाई वो उसको ये समझ में आ गया कि ये पास्ट है प्रेजेंट नहीं है। तो जो चीज़ पास्ट की है प्रेजेंट की नहीं है उसको समझ में आ गया तो अब डरने की जरूरत नहीं है, तो हो चुका है पास्ट है कि अनकॉन्शियस से अब कॉन्शियस में आ गया है तो फिर वो ठीक हो जाता था। दिस इज नार्कोसिंथेसिस। अब जो है जैसे कहते हैं ना नार्को एनालिसिस क्रिमिनल्स का कराते हैं तो उसमें जो है यही सोडियम पेंथेटॉल दे के उनका स्टेटमेंट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ब्रेन का जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है वो खत्म हो जाते हैं, लॉजिकल सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्या बोलना है नहीं बोलना आदमी सोच नहीं पा रहा होता है तो जो दिमाग में है वो सब बोलता है। सो दैट इज नार्को एनालिसिस। तो सच बोल देगा इसीलिए इसको ट्रूथ सीरम बोलते हैं। देन कम्स ट्रॉमा फोकस। अच्छा साइको एनालिटिक ओरिएंटेड मैंने बता ही दिया। देन ट्रॉमा फोकस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसमें जो है हम उसके जो जो थॉट्स फीलिंग्स और बिलीव्स हैं सिचुएशन के रिलेटेड उसको एग्जामिन करते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल अवॉइड कर रहा होता है। तो उसको जो है समझाया जाता है कि भाई इसको प्रोसेस करना है, जो तुम्हारे फीलिंग्स हैं उनको डिस्कस करो, बाय रिमेनिंग साइलेंट यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ। तो जब वो बोलता है बात करता है एक्सप्लोर करता है तो हमको पता चलता है उसका कोर बिलीफ सिस्टम क्या है इसके बारे में। जैसे दैट इंसिडेंट माइट हैव रिजल्टेड इन सम लॉस और उसकी वजह से उसको जो है फोर शॉर्टेडनेस ऑफ फ्यूचर हो रही है कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खत्म है, कि मेरे दोनों पैर कट गए तो जिंदगी अब खत्म है। तो फिर उसको जो है कोर बिलीफ को चेंज किया जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसे अरुणा सिम्हा का एग्जाम्पल दिया जाएगा, देखो उसके दोनों पैर कटे थे, उसने ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया उसने वर्ल्ड के जो पांचों कॉन्टिनेंट में जो हाईएस्ट पीक है पांचों पे चढ़ी है, नॉट वन इन ऑल द फाइव कॉन्टिनेंट्स, डिस्पाइट लूजिंग वन लेग कंप्लीटली एंड वन लेग पार्शली, है ना। तो जब वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो कोर बिलीफ को उसको चेंज किया जाएगा इस तरह। ठीक है, एक देर समथिंग देर इज ए टर्म कॉल्ड डैमेज गुड सिंड्रोम। डैमेज गुड सिंड्रोम में क्या आता है कि इंडिविजुअल अपने आप को बेकार समझ रहा था कि अब मैं डैमेज हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रेप विक्टिम है तो वो सोचेगा या सोचेगी कि भाई उसका क्योंकि रेप हो गया है देन बिकॉज ऑफ दैट ही और शी इज गुड फॉर नथिंग नाउ। तो वो डैमेज गुड सिंड्रोम अगर है तो फिर उसको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर एक ये मूवमेंट जो है पीटीएसडी के लिए काफ़ी सक्सेसफुल और इम्पॉर्टेंट माना जाता है ईएमडीआर। ईएमडीआर स्टैंड फॉर आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। सो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कराते हैं। जैसे जनरली जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं या इवन ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो भी, तो इंडिविजुअल को बोला जाएगा कि ये मेरी फिंगर पे फोकस करो और फिंगर पे फोकस करके फिंगर को जो है ऐसे ऐसे किया जाएगा और उसको बोला जाएगा फिंगर को फॉलो करो और फिंगर को फॉलो करते करते वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करो, जो भी थॉट आ रहा है तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है साथ में फिंगर को फॉलो कर रहा है। ये करते 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 उससे क्या होगा जो उसका जो अनप्रोसेस जो फीलिंग लॉजिकल वाली बात खत्म हो जाएगी क्योंकि ही इज फोकसिंग ऑन टू थिंग्स, सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो जो अनप्रोसेस जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस हो जाएंगी और उसी के दौरान जो उससे क्वेश्चंस भी पूछते रहो तो वो बातें निकल के बाहर आ जाएंगी। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर पीटीएसडी। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच मैंने बताई दी जो विक्टर फ्रैंकल वाली थी उसको लोगो थेरेपी कहते हैं। सो लोगो का मीनिंग इम्प्लाइज मीनिंग, लोगो इम्प्लाइज मीनिंग, तो लोगो थेरेपी इज मतलब यू हैव टू गिव मीनिंग टू योर लाइफ। देन कम्स फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी इज ऑल्सो वेरी अच्छा। इसमें एक चीज़ और रह गई एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, सॉक्रेटिक डायलॉग्स। सॉक्रेटिक डायलॉग में क्या है कि हम उसकी किसी बात को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग कि यू आर सेइंग रॉन्ग, यस दिस इज राइट, नहीं, वो जो भी बोल रहा है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप क्या सोच रहे हो। तो उसने बोला कि मेरी जो है दोनों पैर कट गए तो जिंदगी खत्म, तो
तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सही है गलत, हम बोलेंगे अच्छा ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते हो ना, ऐसे दिस इज सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग। तो जब हम सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो चीज़ें फिर प्रोसेस उसके दिमाग में होती, खुद ही उसके अंदर से आंसर्स निकलेंगे। कहीं वो स्टक हो रहा तो मैं एग्जाम्पल देके या उसको प्रॉम्प्ट करके बोल सकते हैं टू ब्रिंग दैट पर्सन इन टू द राइट डायरेक्शन। तो वो सॉक्रेटिक डायलॉग भी एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में आता है। सो फैमिली थेरेपी किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रॉमा होता है उस ट्रॉमा में खाली इंडिविजुअल को पे इम्पैक्ट नहीं आता, उसकी पूरी फैमिली पे भी आता है। जैसे हस्बैंड है तो वाइफ पे ही आएगा, वाइफ है तो हस्बैंड पे भी आएगा, बच्चे हैं तो माँ बाप दोनों पे आएगा, है ना। एक तो ये इम्पैक्ट बात है। दूसरा क्या है कि जो भी विक्टिम है ट्रोमेटिक इवेंट का, उसको सपोर्ट तो फैमिली से ही मिलेगा। अगर उसकी फैमिली जो है राइट सपोर्ट नहीं दे रही है तो रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए भी जो है ये दोनों रीजंस की वजह से फैमिली थेरेपी भी दी जाती है, ए टू गिव सपोर्ट टू द विक्टिम ऑफ द ट्रोमेटिक इवेंट, बी द फैमिली इटसेल्फ नीड ट्रीटमेंट, क्योंकि दे आर ऑल्सो गोइंग ए ट्रोमेटिक अंडरगोइंग ए ट्रोमेटिक इवेंट बिकॉज द पर्सन हु हैज विटनेस ट्रोमेटिक इवेंट। ये क्लियर है? सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ ना? ओके।